हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं आज के एपिसोड में आपकी प्रश्नावली 8.2 को पूरा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से बैठिएगा और मन से पढ़िएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया था, अब लगाते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा क्या है कि सही विकल्प चुनिए, उन्हें विकल्प और अचत्य कीजिए। यानी कहा है ना कि विकल्प चुनिए, विकल्प चुनने के लिए कहा है ना। चलिए विकल्प चुनते हैं। देखिए, चार ऑप्शन दिया है आपके पास, एक क्वेश्चन दिया है, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, दिया गया है क्वेश्चन 2 tan t sin upon 1 plus tan square t sin। तो हाई हो गया 2। टेन टी सेंस का मान क्या होता है, तो भाई साहब टेन टी सेंस का मान हमने आपको बताया था 1/√3 होता है। क्या 1/√3 होता है, बटे में 1 प्लस टेन टी सेंस का मान कितना होता है, तो टेन टी सेंस का मान हमने बताया 1/√3 होता है। इसका देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए, हाई हो जाएगा 2/√3, अब बटे में हाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 होगा, √3 है ना, तो 3 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, हाई 2/√3 अपान हाई देखिए 3 एक जुड़ के कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बीच का बीच में ऊपर नीचे का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए तो 2/3 अब बटे में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4/√3। देखिए 2 से 2 × 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और अब ध्यान से देखें तो आप बताइए कि 3 को क्या लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर देखिए ये 3 है तो 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो आप इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, अब बटे में 2 × √3, √3 से √3 कट गया, बचा क्या √3/2। और ऑप्शन के हिसाब से सबका मान दिया है, यानी साइन साठ अंश, कॉस साठ अंश, टैन साठ अंश, साइन तीस अंश। तो क्या बताइए, साइन तीस अंश का मान 1/2 होता है, एक करने में 3/2 होता है, आप कहेंगे नहीं। टेन तीस अंश का मान करने में 3/2 होता है, आप कहेंगे नहीं। कॉस साठ अंश का मान √3/2 होता है, आप कहेंगे नहीं। साइन साठ अंश का मान √3/2 होता है, आप कहेंगे हाँ। तो जो इसका मान है ना, ये है टेन साठ अंश का मान, आपको मैंने बताया था, टेबल याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया, समझ में आया। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए, अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और दिखाते हैं आपको कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे और बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका ऑप्शन वाला है, और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कहा है। आज के वीडियो में जितने हम क्वेश्चन बताएंगे, समझ लीजिएगा कि आपके पेपर में वो आने वाला है। ठीक है, टेन स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, ऑप्शन दिया है ए नंबर 10 90 अंश, बी दिया है आपका 1, सी दिया है साइन 45 अंश, और डी दिया है जो आपका वो दिया है 0। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखने के लिए क्या है, देखिए ये 1 है, माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो हमने आपको सारणी देख लीजिएगा, 10 45 अंश का मान हमने आपको 1 बताया था, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में 1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 10 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/1। अब बताइए इसका मान कितना होगा, 0/1 है तो उसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 0 का 1 का 0 में भाग देंगे, यानी जी 1 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0। तो ऑप्शन में कौन सा 0 दिख रहा है, तो ऑप्शन में जो डी नंबर है वो 0 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समझ में आया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह दिया है आपका साइन, तीसरा नंबर साइन 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, जबकि a बराबर है। यहाँ से देखिए
ऑप्शन नंबर ए दिया है जो आपका 0 अंश, बी दिया है आपका 30 अंश, सी दिया है जो आपका 45 अंश, डी दिया है जो आपका 60 अंश। देखिए कहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब बराबर होता है जबकि a बराबर होते हैं। देखिए सत्य होता है ये भी कहा है, यानी आपको चार ऑप्शन दे दिया है और आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन अगर इसमें रखे तो आपका मान बराबर होगा। तो चलिए रख रख के चेक करते हैं। आप सबसे पहले जीरो पर रखें ना, तो कितने 0 अंश पर, अगर 0 अंश पर देखें तो साइन 2 × 0 हो जाएगा। अब बताइए हाई 2 साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए का मान 0। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 को 0 में 0 साइन 0 का मान 0। बताइए साइन 0 का मान 0 और 0 को 2 में गुणा करेंगे 0, यानी सत्य हो गया, ए का मान बराबर भी हो गया, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई साहब आपने 0 पर ही पहले रख दिया, अगर हम 30 अंश पर रखते तब क्या होता। चलिए 30 अंश पर चेक करते हैं, 30 अंश पर नहीं होगा तो नहीं बराबर करेंगे। जैसे साइन 2 × 30 अंश बराबर 2 sin 30 अंश। देखिए हाई हो जाएगा साइन 60 अंश, हाई हो जाएगा 2 sin 30 अंश। देखिए साइन 60 अंश का मान होता है आपका √3/2 और ये हो जाएगा 2 × sin 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी कट गया, यानी √3/2 बराबर कितना आ गया ए, ये बराबर है। तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है इसीलिए आप इसको भी नहीं लेंगे, यानी ये 0 0 बराबर था तो आपने 0 अंश का मान ले लिया। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे तो कोई बराबर नहीं आएगा, बराबर सिर्फ आएगा आपका 0 नंबर पर, वो हो गया आपके आंसर। ठीक है तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर और चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करें। ये जितने सवाल मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके पेपर में पूछ चुके हैं। ठीक है चलिए 4 नंबर, 2 tan 30 अंश बटे में 1 − tan²30 अंश। ऑप्शन ए दे दिया है cos 60 अंश, बी दे दिया है sin 60 अंश, सी दे दिया है tan 60 अंश, डी दे दिया है sin 30 अंश। चलिए देखिए, चलिए देखिए ये है 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बटे में 1 − tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 आई स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया 2√3 टोटल के बटे में है कितना हो जाएगा 1 1/√3 का वर्ग कितना होगा, तो 1/√3 का वर्ग होगा 1/3 हो गया 2/√3। और यहाँ देखिए यहाँ आएगा 3 और 3 मिले घटाएंगे 2 और 2/ क्या बच जाएगा 3। ठीक है अब चलिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे अब बटे में हाई 2 का √3 में गुणा करेंगे तो हाई 2 से 2 कट जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं, अब बटे में √3 था तो इससे कट के कितना जाएगा √3, और √3 किसका मान होता है तो आप कहेंगे जो √3 होता है ना ये 10 60 अंश का मान होता है, तो आपका 10 60 अंश यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया, सिर्फ कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ मान रखा आपका आंसर आ गया और आप आसानी तरीके से इसका आंसर दे दिए। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, ये तो दूसरा का भाग था और अब चलिए ले चलते हैं आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और तीसरे नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जबकि कहा है 0° इज a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 90° और कहा है कि यहाँ पर जो a है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान चलिए याद करते हैं। सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपको कहीं खोजेंगे तो वो तरीका नहीं मिलेगा, एकदम ट्रिक भाई बताऊंगा। ध्यान से देखिए आपका है ये tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है तो ध्यान से देखेंगे तो ये है tan a प्लस बी बराबर √3 का मान होता है tan 60 अंश, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ना tan 60 अंश।
अगर भाई साहब दोनों पक्षों को तुलना कर देंगे ना, क्या कर देंगे तो तुलना, तो हयो 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा का ए प्लस बी बराबर 60। अब चलिए इधर आ जाइए, ये कितना था, ये था आपका 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी, और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1/√3 को 10 30 अंश। दोनों पक्षों की अगर तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों की अगर तुलना कर देंगे तो 10 से 10 कट के बचेगा क्या ए माइनस बी बराबर 30 अंश। यहाँ से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए, और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से। चलिए, ये क्या है ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ये क्या है ए माइनस बी बराबर 30 अंश। बी से बी कट गया, जुड़ेगा कितना 2a बराबर हाई हो जाएगा 90, इससे इससे कटा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 45 अंश आ गया। अब देखिए 45 अंश, एक समीकरण 1 से ले लीजिए a प्लस बी बराबर कितना था 60 अंश, तो ध्यान दीजिए a का मान आपका आ गया 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, तो a है 45 अंश है ना, प्लस में है ना, उधर भेज दीजिए माइनस में, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा आपका 15 अंश। ठीक है, a का मान 45, b का मान 15 अंश। तो देखिए यहाँ पर कहा था कि जो आपका a है वो b से बड़ा है, तो आपका a का मान जो आया वो b से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बस यही क्वेश्चन था, और आज हमने प्रश्नावली जो 8.2 है वो पूरी तरीके से आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे।